एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूँ निधा और आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ गर्भ में लड़का होने का लक्षण। तो आपको कैसे पता चलेगा, मतलब कैसे आप अनुमान लगा सकते हैं गर्भ में बेटा है या नहीं, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके मन में सबसे पहले ये सवाल आता है कि गर्भ में बेटा है या फिर बेटी। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, आप सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं आपके गर्भ में बेटा है या फिर बेटी, लेकिन एक अल्ट्रासाउंड ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आप कंफर्म पता लगा सकते हैं गर्भ में बेटा है या फिर बेटी। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, हमारे देश में लिंग निर्धारण करना, लिंग का बताना कानूनी अपराध है। तो मैं आपको सिर्फ अनुमान बता सकती हूँ कि आप अनुमान लगा सकती हैं। तो जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसका जो थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि आपका छठे महीने से नव महीने का बीच का टाइम क्या होता है, अगर आपको थर्ड ट्राइमेस्टर से आपको पेट में दर्द होना शुरू होता है, पेट में नीचे की ओर आपको दर्द हो रहा है या ऊपर की ओर दर्द आपको हो रहा है और वो दर्द आपका थर्ड ट्राइमेस्टर में पर मंथ बढ़ रहा है, तो इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में बेटा है। इसके अलावा जब आपका थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा हो और आपकी कमर में ज़्यादा दर्द हो, लास्ट टाइम तक आपको कमर में ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपके घर में बेटी है। तो फ्रेंड्स आप सिर्फ अनुमान लगा सकती हैं। अगर आपको पेट में ज़्यादा दर्द हो रहा है, आप बेबी की ऊपर की साइड या फिर नीचे की साइड आपको पेट में दर्द है, तो आप अनुमान लगाएंगे कि आपके घर में बेटा है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए और हमारी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए निधा हेल्थ केयर।